हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूट के बारे में। देखिए ये जो साल रहा है 2024 का, ये स्पेशली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की इंतज़ार में ही लगभग बीत गया और इस साल भर इसके रूट के बारे में भी काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई हैं। स्पेशली दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा सेक्शन हो गया, एक बार तो जयपुर में कोई मीटिंग हुई थी वहाँ पर दिल्ली से गोरखपुर की भी बात चली थी, तो कई सारे रूट जो है इसके लिए डिसाइड हो रहे थे, प्लान किए जा रहे थे और ये सब बातें साल भर चली हैं। लेकिन एक बार फिर से एक नया रूट जो है चर्चा में आया है और इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये रूट है दिल्ली से श्रीनगर का। दोस्तों इस समय जो बात चल रही है वो दिल्ली से श्रीनगर की बात चल रही है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूट के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो में इस रूट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूँगा और दिल्ली से मुंबई वाला जो सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा बातें होंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं दिल्ली मुंबई सेक्शन का। दोस्तों ये जो रूट है इस रूट पर पैसेंजर्स की ऑक्युपेंसी बहुत ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और शायद इसीलिए दिल्ली से मुंबई के बीच कई सारी प्रीमियम ट्रेनें चलती हैं, जिसमें अगर राजधानी एक्सप्रेस की मैं बात करूं तो दिल्ली से मुंबई के बीच तीन डेडिकेटेड राजधानी एक्सप्रेस चलती हैं, जिसमें से एक राजधानी नई दिल्ली से चलती है, दो राजधानी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलती हैं। इसमें एक सियार राजधानी है, एक अगस्त क्रांति है और नई दिल्ली से चलने वाली नई दिल्ली मुंबई किंग राजधानी है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो रूट है इसकी कितनी डिमांड है स्पेशल और प्रीमियम ट्रेनों के लिए। तो इसलिए इस रूट पर जो पैसेंजर्स हैं ना वो लगभग काफ़ी सारे बिजनेसमैन भी हैं, जिनके लिए अगर हम देखें तो पैसा जो है वो कुछ हद तक कम मायने रखता है इन कंपेयर टू टाइमिंग। मतलब उनको कम से कम टाइमिंग में जर्नी करनी है दिल्ली से मुंबई के बीच में, इसलिए काफ़ी सारे लोग जो है वो फ्लाइट भी प्रेफर करते हैं और काफ़ी सारे लोग भी ट्रेन भी प्रेफर करते हैं, वो भी कम टाइमिंग वाली। तो इसीलिए स्लीपर वंदे भारत की बात इस रूट के लिए चल रही थी। लेकिन दोस्तों ये जो रूट है ये सुनने में आया था कि 160 जो है होने वाला है, लेकिन अभी भी फिलहाल इस पर काम ही चल रहा है और 160 पूरा रूट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता भी है तो इस पर ऑलरेडी जो ट्रेन चल रही हैं वो तेजस रैक के साथ चल रही हैं, अगस्त क्रांति और न्यू दिल्ली किंग राजधानी। तो ये जो रैक हैं ये ऑलरेडी 160 कैपेबल हैं, तो इसलिए रेलवे का ध्यान थोड़ा इस बात से हटा और दिल्ली श्रीनगर वाला जो सेक्शन है उस रूट पर किस लिए जा रहा है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो देखिए दिल्ली से श्रीनगर का जो रूट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये भी डिमांडेबल हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है अभी फिलहाल इसके ट्रायल्स होंगे और देन जो है इसको दिसंबर में आप देख सकते हैं ऑन ट्रैक पर। लेकिन रेलवे कुछ प्लान कर रही होगी कि इस ट्रेन को जो है आने वाली नए साल मतलब जनवरी में जो है इस रूट पर डाले। और दोस्तों ये जो रूट है इस रूट पर काफ़ी सारी ऑक्युपेंसी हो जाती है टूरिस्ट की, क्योंकि जनवरी में जो है इस रूट पर काफ़ी बर्फबारी होती है और टूरिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए रेलवे ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। दूसरी बात यह है कि SBDK से जो श्रीनगर या फिर बारामूला वाला सेक्शन चल रहा है वो भी लगभग इस साल के अंत तक या फिर जनवरी तक जो है कम्प्लीट होने वाला है। तो ये जो सेक्शन है ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल होने वाला है। और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो अब तक ऐसी कोई ट्रेन बनी नहीं थी, हालांकि इस ट्रेन का जो पैटर्न है वो राजधानी ट्रेन की जैसा ही है, लेकिन ये एक ट्रेन सेट की तरह है, वंदे भारत की टाइप की ट्रेन है जो कि स्लीपर वर्जन है। तो ये दोनों हिस्टोरिकल मोमेंट जो है एक साथ रेलवे जो है क्लियर करने वाला हो, इसीलिए इस ट्रेन का रूट दिल्ली से श्रीनगर का रखा गया है जो कि जनवरी में स्टार्ट हो सकता है। और ये ट्रेन जो है वो दिसंबर के बजाय जनवरी में नए साल में मतलब इसको चलाया जा सकता है। तो इसलिए इस रूट की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी ये जो ट्रेन है ये दिल्ली से श्रीनगर वाले रूट पर चलती है या फिर दिल्ली से मुंबई वाले सेक्शन पर। फिलहाल ज़्यादा उम्मीद जो है दिल्ली से श्रीनगर वाले सेक्शन पर ही है, क्योंकि रेलवे हर बार अगर कोई स्पेशल ट्रेन चलाता है तो उसको कोई अलग सा स्पेशल रूट ही देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आप अमृत भारत ट्रेन। दोस्तों अगर इस रूट पर ट्रेन चलती है तो इसका जो फेयर है वो लगभग कितना होगा इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो जैसे कि ये ट्रेन जो है राजधानी एक्सप्रेस के पैटर्न में है और अश्विनी वैष्णव जी इसको कई बार कह भी चुके हैं कि इसका जो फेयर है वो राजधानी ट्रेन की जैसा ही रखा जाएगा। दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
इसके थर्ड एसी का जो फेयर है दिल्ली से श्रीनगर का वो अराउंड 2000 के आसपास होने वाला है। सेकेंड एसी यानी टू टीयर की अगर बात करें तो उसका जो फेयर है वो 2500 के आसपास होगा, और अगर फर्स्ट एसी की बात करें तो उसका जो फेयर है अराउंड 3000 के आसपास होने वाला है। तो कुछ इस तरह का फेयर होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। वैसे स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का रूट क्या होगा या फिर क्या होना चाहिए इसके बारे में आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आप बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।